एक बार की बात है, एक सर्प में और एक चूहे में दोस्ती हो गई। कैसे हुई? सर्प कहीं बैठ करके आनंद ले रहा था, और जो होते ना बीन बजाने वाले सपेरे, गाना बजा बजा के उनको अपने टोकरी में बंद कर लिया। अब बंद कर लिया तो फिर निकल नहीं सकते, ले जाके वो अपने घर में रखा, और घर में रखा तो देखा कुड़ुर एक चूहा कर रहा था। तो सर्प ने समझ लिया कि काम हो सकता है, तो उसने कहा अंदर से, सर चूहा भैया हमारी मदद कर दीजिए। चूहा ने कहा, आश्चर्य हुआ उसको कि आज सर्प हमको भैया क्यों कह रहा है। बोला, क्या काम है? जब आदमी जानते हो, जब आप मांगते हो कुछ तो देने वाला थोड़ा अकड़ में रहता है। बोला, देखो हम अंदर फंसे हुए हैं, मुझे निकलना है, हमको आजाद कर दो, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। बोले, एकदम भरोसा नहीं है, 20 बार तो हमारे भाइयों को तुमने खा लिया है, और क्या भरोसा है कि तुम निकलोगे तो फिर मुझे छोड़ोगे। बोले, एकदम सच्ची में कसम खा रहे हैं, जैसे आपके बच्चे नहीं खाते हैं और तुरंत पासा पलट लेते हैं। फिलहाल सर्पदेव ने चूहे को मना लिया, और चूहा ने जो सपेरे का वो था ना जिसमें रखा था उसको काटना शुरू किया, और अंदर से सर्प जो है बैठ के देख रहा था। एकदम दिन बहुत जरूर रहा था कि अब तुम ही मेरे प्राण के आधार हो, तुम ही मुझे बचा रहे हो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं मानूंगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं जब तक काम नहीं उनका होता है ना, तब तक ऐसे बने रहते हैं, और जैसे ही पूरा मार्ग बना कब से आया अंदर गए चूहा जी। समझ में आया? कई बार हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, आदमी बहुत कमाल कर सबको समझ सकते हैं पर इंसान को नहीं समझ सकते। जिसके ऊपर आप कृपा करते हो, मदद करते हो, वही आपको डस लेता है। आता है कथा में एक भस्मासुर था, शंकर भगवान को प्रसन्न करके प्रकट किया। बोले, वर मांगो, मैं बहुत खुश हूं। बोले, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान ने कहा, तुम बहुत अच्छे भक्त हो, इसलिए तुम्हारा ये मनसा पूरा हो तथास्तु। अब जब उसको मिल गया ना, तब हमको चेक करना है, शंकर जी बाग चले। शंकर जी बाहर चले, उन्होंने ही वरदान दिया और चेक करने के लिए। मेरे हंसने से आपको परेशानी तो नहीं है ना? ठीक है, धन्यवाद। असल में आप लोग इस मामले में थोड़ा सा घाटे में रहते हैं, हमको पूरी कथा पता है, तो हम जैसे ही कथा शुरू करते हैं तो उसके आनंद से लबालब हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारी हंसी पहले आ जाती है, और जब आप लोग सुन लेते हैं तो उसके बाद आप लोग हंस देते हैं। कई लोग कहते हैं, आप इतना क्यों हंसते हैं, पहले ही हंसना शुरू कर देते हैं, क्या करें, मेरी कमजोरी है। और इसको हम सच में बताएं, हम अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। कई बार आदमी कथा सुनाता है और न खुद को मजा आता है न दूसरे को मजा आता है, तो हमको मजा आए इसीलिए हम कथा सुना रहे हैं। आपको आए न आए वो आप जानो। करने वाले को अगर आनंद आ रहा है तो वो काम सार्थक है, अगर नहीं आ रहा है आनंद, और कोई भी जो आपके सामने हम अभिव्यक्ति करते हैं ना व्यवहार की,
बनावटी नहीं होती है।